उनकी ड्रेसिंग हो गई, बहुत रोई है ये, बहुत। पापा आगे, पापा आगे, देखो देखो पापा आगे, देखो पापा आगे, पापा नो 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 सांबर में इसने एकदम से हाथ डाल दिया। नो 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 हाय गाइस, आप सब, हमारा ये वीकेंड तो बहुत ही खराब निकला है, क्योंकि अरे वीकेंड तो मतलब पिछला वाला वीकेंड बेसिकली तो बहुत खराब निकला। मम्मी को लग गई थी, इसने करी में अपना हाथ डाल दिया। सांबर हम खा रहे थे फ्राइडे इसने हाथ डाल दिया, जो रोई है हाथ में नहीं आई, मतलब जो ये कंटिन्यू 10 बजे से 4 की 3 बजे तक ना, ये 10 बजे से 2 बजे तक, और फिर उसके बाद में ये मतलब कि 2 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक हिस्कियां लेती रही है। बच्चा रो रो के थक जाता है तो हिस्कियां लेता है ना ऐसे करके, तो 5:30 बजे के बाद उसको नींद आई। मतलब नींद तो किसको आती है, तो हम भी सोच सकते हैं कि अगर हमारे फिंगर पे थोड़ा सा तेल का छींटा या हमारे बाजू पे गिर जाता है तो हम लोग को भी कितनी जलन होती है। तो इसका तो हाथ एकदम से करी में गया, और ये मतलब कि ये उसको पीछे करने ही वाले थे कि वो एक सेकंड था, हम चार जने इसको देख रहे थे, सेकंड के अंदर ही हाथ डाल दिया इसने। हम चार जने इसको देख रहे थे कि ये हाथ डालेगी, और ये करने ही वाले थे कि इतने में इसने थप मारा जोर से उस पे हाथ, तो और जैसे हाथ मारा उस पे हमने पानी भी डाला, बट उस टाइम इसकी टाइम पे स्किन निकल रही थी उसी टाइम पे, फिर हमने क्योंकि बहुत गर्म दाल थी और मैं खाना बनाकर जस्ट वो लेकर ही आई थी, फिर हमने बर्निंग क्रीम लगाते हैं वो लगाई, पानी में हाथ डाला इसका, वो लगाने के बाद भी बहुत रो रही है। फिर मैंने देखा कि इसके हाथ उंगलियों में सूजन हो गई थी, सूझ रही थी, तो मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर हम पास में एक डॉक्टर है, मतलब हॉस्पिटल है, वहाँ गए, वहाँ डॉक्टर नहीं था। फिर हम थोड़ा आगे गए, एक अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ गए, तो वहाँ जाकर हमें इमरजेंसी में डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर ही मिलते हैं, मेन डॉक्टर तो मिलते नहीं है, तो उन्होंने ड्रेसिंग कर दी थी। उसके बाद इसने थोड़ा रोना कम किया, और फिर हम वहाँ से आए, चलो 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 वहाँ पे चले, चलो वहाँ से आते आते हमें 1 बज गया था। फिर आके हमने थोड़ा बहुत खाना खाया और इसको लेके मैं सो गई, मतलब सोई तो क्या, 5:30 बजे नींद आई, 2 बजे इसको बेड पे लिटाया मैंने ताकि सो जाए, क्योंकि इसको एंटीबायोटिक दे दी थी तब तक इसको असर हो जाए। तो अभी भी इसकी एंटीबायोटिक कंटिन्यू चालू है, और इसको कितने दिन हो गए हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, आज 5वां दिन है इसको ये लगे को, आज 5वीं नाइट है, बट और इसकी ड्रेसिंग डेली हो रही है, इसके हाथ की ड्रेसिंग होती है जब जल जाता है। वैसे तो ड्रेसिंग नहीं करते, खुला छोड़ना रहता है, बट ये बच्ची है, बच्ची है, बस 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 चलो चलो, तो ये बच्ची है तो इसको ड्रेसिंग डाला है ताकि कहीं इधर उधर हाथ नहीं लगाए। तो यही था गाइस, आप लोगों को अपडेट देना था, तो होप गाइस मिलते हैं जल्दी अच्छे व्लॉग के साथ। अभी 2-3 दिन में भी व्लॉग ना आए, क्योंकि इसको बहुत मतलब हम लोग अब इसको बहुत ध्यान दे रहे हैं, इसको संभाल रहे हैं, इसको टेक केयर कर रहे हैं, तो होप आप भी अंडरस्टैंड करोगे इस बात को लेके। तो मिलते हैं आप अच्छे से एक नए ब्लॉग में, और इस मामी के जल्दी से ठीक होने की आप सब लोग प्रे करना जल्दी से, इसका हाथ ठीक हो जाए और इसके हाथ की बर्न के मार्क्स है वो भी ना रहे। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में गाइस, टेक केयर, बाय बाय।